सो हेलो दोस्त, नमस्कार। तो सुन मेरे यार, तो आज जो ऐड हम आपको दिखाने वाले हैं वो एकदम ही दुनिया से परे है। आपने अलग अलग तरह के ऐड देखे होंगे, अलग अलग जगहों के, अलग अलग चीज़ों के और अलग अलग प्रकारों के, अलग अलग बकलोली, अलग अलग बक, समझ जाओ यार, समझ जाओ। तो हम जो ऐड दिखाने वाले हैं उसमें फुल टू लॉजिक नहीं है। तो आइए तो स्टार्ट करते हैं ऐड अब बिना कोई बकलोली किए। तो इसमें एक औरत रहती है जिसके पति का उसको कॉल आता है, वो बोलता है मैं जल्दी आ रहा हूँ, कृपया कर जल्दी तैयार हो जाए। तो पत्नी टाइम देखती है और जाके एक नयी सी साड़ी निकालती है और पहन के तैयार हो जाती है, मेकअप वेकअप करके, और वो खड़ी हो जाती है, अच्छी दिखती है ये आईने में लगती है। और फिर अचानक से पति आता है, वो अगरबत्ती का सुगंध सूंघता है और अचानक से सब माहौल चेंज हो जाता है, रोमांटिक से मंदिर बन जाता है। वाओ, नहीं तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं, पहले बात तो ये कि एक औरत सुंदर शानदार बैठी है अपने पति के लिए कि मैं उसके साथ मौज मस्ती करूंगी, लेकिन अचानक से पति का मूड ही चेंज हो जाता है एक अगरबत्ती सूंघ के, और वो अचानक से रोमांटिक से पुजारी बन जाता है। ये लॉजिक को समझ नहीं आया भाई साहब। नहीं तुम्हें क्या लग रहा है कि किस चीज़ का ऐड होगा? ये किस चीज़ का होगा? देखो किस चीज़ का होगा, देखो, पहले देख लो फिर बात करेंगे। इसीलिए जेल्स बाय ओडोनिल, जितना रोमांटिक होना चाहो उतना घुमाओ। ओडोनिल रूम फ्रेशनिंग जेल, ये महकेगा तो दिल बहकेगा। भाई ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? नहीं, अब लड़की चाहे कितनी सुंदर हो जाए, चाहे कितना मेकअप कर ले, चाहे कैसे भी कपड़े पहन ले, अब लड़का को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। घर में जब तक वो ओडोनिल नहीं लगा दे, उसे जब तक वो 10 बार ना घुमा दे, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं तुम लोगों को क्या लगता है, इतना अच्छा है, इतना आसान है? नहीं इसमें लॉजिक कहाँ है? नहीं मतलब आप क्या बताना चाहते हो कि लड़कियाँ मेकअप साड़ी चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कैसे भी चल जाए, लेकिन उसका हस्बैंड बॉयफ्रेंड कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक ओडोनिल घर में ना लगाए? साड़ी सुधर जाओ। चलो यार अब बकलोली छोड़ते हैं और अगली वीडियो पे आते हैं, मतलब ऐड पे। ये ऐड बड़ा ही अनोखा है। इसमें एक औरत ड्रेस चेंज करने जाती है और अपने पति बोलती है मैं ड्रेस चेंज करके आ रही हूँ, फिर घूमने जाएंगे। और वो ड्रेस चेंज करने लगती है और ये कौन है? अरे ये तो हमारे बिड़े साहब है, माधवी के पहले इसे पटाया था। ऐसी कोई बात नहीं। अब ये बुलाती है अपने पति को, जरा जल्दी बाहर आओ, ये बुक पढ़ते पढ़ते बोर होती है। उसकी पति बाहर आती है और तब भी रूम से एक और आदमी बाहर आता है। कैसे? तब बेटे पूछता है कि तू अंदर कैसे, क्या कर रहा था अंदर? तो ये पूछता है मैं धूल झाड़ रहा था। अच्छा, तो इतना ऐड देखने के बाद आपको लग क्या रहा है ये किस चीज का ऐड होगा? नहीं किस चीज का, ये क्या नौकर का ऐड है? नहीं ऑनलाइन नौकर भेजते हैं घर में, या किस चीज का ऐड है? ऐड देखोगे ना तो पागल हो जाएगा, किस चीज का ऐड बना दिया? कसम से बोल रहा हूँ ये ऐड वाले सस्ते नशे करके ऐड बनाते हैं। पहले ये देखो किस चीज का ऐड है ये। कपड़े बदलने से पहले बल्ब बदलो। हेलोनिक्स, राइट इज राइट। यार ये बल्ब की ऐड थी। चलो ठीक है, एक हिसाब से मान ले कि अरे रूम में उतनी तो रोशनी थी ना, चलो मानते हैं बल्ब का ठीक ठाक नहीं है क्योंकि ये लोग गरीब है, लेकिन इतनी तो रोशनी थी ना। फिर भी साला कमीना है, उसे तो दिख रहा था ना कि अंदर में कोई आ रहा है। चलो माल की नहीं देख पाई, घुस गई अंदर बका ले, लेकिन नौकर नहीं, उनने की कर लिए थे बे, सारे डस्ट साफ करते करते सब कुछ साफ कर लिया है। भाई सब ऐड बना रहे हो कि क्या क्या कर रहे हो यहाँ? नहीं पोपट बना रहे हम लोग का। साले नौकर को क्या हो गया था? नौकर क्या कर रहा था अंदर में? नौकर मुझे उठा रहा था? नहीं 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 गलत बात यार, इस ऐड के बारे में अब बात नहीं होगी, अब अगली ऐड अभी आपके सामने आएगी। तो इसमें दो बिछड़े दोस्त आज मिलते हैं। बीवी बोलती देखिए तो आपका पुराना दोस्त है। तो ये बोलते हैं अरे नरेश। तो ये बोलता है उठ के अरे सुमेश। हाँ मैं, अरे गले मिल गए। बंदे ने बोले, एक दोस्त ने बोला तेरी तोंद बड़ी बढ़ गई है यार, बड़ा खाता पीता घर का लग रहा है तू। चल ठीक है तू मेरे घर चल, घर जाके चाय काफ़ी पिला। तो नहीं अभी नहीं जाऊँगा, ये मोटे वाला बोलता है। तो ये बोलता है कि नहीं नहीं कभी और। तो गुस्सा जाता बोलता अबे चल बे साले तू नहीं जाएगा घर। बीवी तो और ज़्यादा गुस्सा जाती है, चाकू दिखाती है, बोलती है घर नहीं जाएगा तो यहीं काट दूंगी, पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे दिखेगा, समझा बच्चा तो स्टार में चल जाए साले मर जाएगा। तो ये भी बेचारा डरपोक चल गया घर, और घर में जाके बैठ गया। भाई पहले तो तुम्हें ऐड किस चीज़ का लग रहा है ये बताओ,
नहीं तुम्हें क्या लग रहा है, क्या ये ऑनलाइन पड़ोसियों की ऐड है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐड आप देखने के बाद जिस चीज़ पे ऐड बना है आप मर जाओगे। पहले तो ये साला कोई भी बंदा उठ के, चाहे दोस्त हो, पड़ोस वाला हो या रिश्तेदार हो, ऐसे कौन बोल देगा बे कि घर चलो, चाकू दिखा के धमकी दे के। साले प्यार से बोलो चलो घर, ऐसी मतलब क्या दिखाना क्या चाहते हो, ऐड किस चीज़ का ये सोच रहे हो? नहीं मैं ऐड दिखाता हूँ किस चीज़ का है। नहीं कसम से इस ऐड को देखने के बाद अगर आपको उल्टी नहीं आ गई, दिमाग ख़राब नहीं हो गया, तब बोलना ये देखो किस चीज़ का ऐड है। अबे वो पलाय का ऐड था और बाहर ढेगल के बोलते कितने अच्छे से, फिर आना जरूर। आदमी तो पहली बात बौखला जाएगा, सोचेगा कि बंदे घर में लॉकडाउन रहते रहते पागल हो गए। नहीं ये कैसे बर्ताव कर रहे यार मेरे साथ, मैं तो उसका बचपन का दोस्त हूँ, बचपन में भूल गया, ये हो क्या रहा है? और ऐड पलाय का है भाई साहब, पलाय का नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है दुश्मनी का ऐड है। मैं पिछले जन्म में ऐसा किया था तो इस जन्म में तो उससे दुश्मनी निकालूंगा। और चाय तो बेचारा ऐसे कड़गड़ कड़गड़ के पी रहा था बंदा, चाय क्या पिएगा, पहले बंदी का मुंह देख के मारना थे साली, जहर वहर तो नहीं मिला दिया इस चाय में है? नहीं बंदा भी पकड़ा जाएगा साले, क्या दिखाने लिए आया था। शो ऑफ करने का भी एक लिमिट होता है, ज़बरदस्ती शो ऑफ ज़रूरी है। चलो यार अब अगला ऐड स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक दादी अपने बच्चे को खिलाती है और चिल्ला के बोलती है चुप हो जा मेरा बच्चा सो रहा है। तो इस बच्चे को क्या पगलपंती चढ़ जाती है, हर जगह चिल्ला चिल्ला के करता है, यहाँ पे चिल्लाता है लड़की बड़ी हॉट है यार, ये लड़की भी शर्मा जाती है, तो क्या करिए बेचारी, थोड़ी गले मिल लेगी। और वहाँ पे जाती तो बोलती है ये छोटी वाली बड़ी पसंद है मुझे यार, सर ससुर भी पगला जाता है। इतनी चीज़ें देखने बाद तुमको क्या लग रहा है किस चीज़ का ऐड है? क्या ये किसी कैमरे का ऐड है, किसी फ़ोन का ऐड है, या किसी दवाइयों का ऐड है जिससे आवाज़ बढ़ जाता है गले का? नहीं, ये ऐड है एक डीवीडी प्लेयर को। तुम्हें विश्वास हो रहा है? कतई नहीं हो रहा होगा यार। और जिसे विश्वास हो रहा है ना वो इस क्रिंज वीडियो, इस क्रिंज ऐड का चचा है। साले पहले देख लो क्या है। सबका वॉल्यूम ऊंचा कर दे, बिल्ट इन एम्पलीफायर वाला गोदरेज डीवीडी प्लेयर। आई लव यू लायर। डीवीडी प्लेयर का ऐड था, समझ रहे हो? नहीं डीवीडी प्लेयर में तुम कोई भी कैसे डाल के कुछ भी देख सकते हो, मतलब कुछ भी। लेकिन इस डीवीडी प्लेयर से आप आवाज़ भी बढ़ा सकते हो। वो पार्क में चिल्लाया कैसे, आई लव यू लायर? साले बगल में अगर कोई आदमी आराम से बैठ के गाना सुन रहा होगा ना, इन लोगों की बातें सुन के समझ गया होगा ये दोनों एक नंबर के पागल है, या इन्हें पागल कुत्तों ने काटा है जो ये इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, या तो ये जन्म से ही बहरे हैं। नहीं मतलब डीवीडी प्लेयर से आवाज़ कम ऑन साले इंसान का ही कर लो ना, इंसान के पेट में से फिट कर दो या पीछे के हिस्से में फिट कर दो और वॉल्यूम वहीं से अप डाउन करते रहो। भूतने का कुछ भी ऐड बना रहे तो कुछ भी बेचने के लिए, डीवीडी प्लेयर बनाने के लिए, डीवीडी प्लेयर बेचने के लिए बंदे को ही डीवीडी प्लेयर बना दिया। बाह वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो यार ऐड यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, अब आपको दिखाने वाला हूँ वो एक पापा की परी जो कि सच में उड़ती है। विश्वास नहीं है? नहीं अब दिखा रहा हूँ पापा की परी, और वो कौन है वीडियो ऐड देख के आपको समझ में आ ही जाएगा। ये हमारी पापा की परी आलिया भट्ट, तो इसमें एक बंदे को उठा लिया जाता है, पापा की परी की शादी हो रही है। पापा की परी को आइडिया आता है कि पर काट चुका है मेरे हाथ में, चलो तो काटते हैं और इसे उड़ जाते हैं। ये देखो उड़ने लगी, वाओ व्हाट अ जादू, अरे वाह। तो लड़के को जोश आ गया तो उनके दोस्त ने और ऊपर लड़के को उठा दिया। उठाओ यार जल्दी, लड़की ने तो उड़ के कहाँ आसमान में पहुँच जाएगी, ये देखो। तो अब लड़की तो पापा की परी है, थोड़ा सा फर्क और खाएगी और ऊपर उड़ जाएगी। वाह 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 वाह, ये तो ठीक हुआ वहाँ पे ज़्यादा उठाया नहीं गया इस लड़के को, नहीं तो ये पापा की परी तो अंतरिक्ष में जाके चाँद पर शादी कर लेती। नहीं दोनों को उठा के चाँद पर पहुँचा देते ना, बावड़ी ऐड बावड़े लोग। पापा की परी से हम लोग मजाक में बोलते हैं, पापा की परी है नहीं ये। अब वीडियो यहीं पे सोच रहे हैं हम ख़त्म कर दें, क्योंकि इस पापा की परी को देखने के बाद मुझे भी उड़ने का मन कर रहा है, मैं भी पर खाऊंगा और स्पेस में उड़ के आऊँगा। वाओ व्हाट अ ऐड भाई साहब, हम लोग पापा की परी मजाक में बोलते हैं, इनने तो उड़ा ही दिए। नहीं अगर मुझे तो लगता है ना दोनों जाके अंतरिक्ष में शादी कर लेते हैं ना चांद पे चढ़ के,
इस नील आर्मस्ट्रांग के बाद तो नहीं, नील आर्मस्ट्रांग कितने साले एस्ट्रोनॉट गए साले, उसके बाद इनका नाम आया था। सब रॉकेट बना रहे हैं, रॉकेट कोशिश कर रहे हैं, रॉकेट चांद तक क्या ऊपर ही उड़ जाए, बड़ा बात है साले। दिवाली वाला रॉकेट भी इतना जल्दी नहीं उड़ता, इतना जल्दी ये पर खा के उड़ गई आसमान में। भाई सल्यूट है इस ऐड बनाने वालों को, कुछ भी बना रहे हैं। पापा की परी, पी फॉर पर्क, पी फॉर पापा की परी, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन पर बजा देना, और कमेंट कर देना, और लाइक कर देना, और शेयर कर देना, और अभी के लिए बाय बाय।